नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। राजस्व वसूली की मॉनिटरिंग के लिए विकसित किया जाएगा पोर्टल, सीएम ने दिए निर्देश। राज्य के राजस्व को बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान सीएम धामी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभागों को सजग और पूरी सक्रियता से कार्य करना होगा। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें। मई खाने में चोरों की मस्ती, शराब की दुकान में चोरों ने की पार्टी, मुर्गे के साथ देर रात तक छलकाए जाम, जाते जाते कर गए ये काम। हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में चोर कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चोरों ने पहले शराब की दुकान की दीवार तोड़ी, फिर अंदर दाखिल हुए। इतना ही नहीं, चोरों ने शराब की दुकान के अंदर जमकर जाम छलकाए। चोर जाते समय सीसीटीवी कैमरे की DVR भी ले गए। शिकायत के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। हाईकोर्ट में अतिक्रमण बताकर जबरन कार्रवाई वाली याचिका मेंशन, कहा याचिका दायर करने वाली होगी सुनवाई। पूर्व कांग्रेस सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अतिक्रमण बताकर जबरन ठहराए जा रहे निर्माण पर रोक लगाने की अपील की है। हाईकोर्ट ने उन्हें मामले में याचिका लेकर आने को कहा है, जिसके बाद मामले में सुनवाई होगी। महेंद्र पाल का कहना है कि इस कार्रवाई से पहाड़ पर बेरोजगारी और पलायन बढ़ेगा। आबकारी विभाग ने पकड़ी भारी मात्रा में अवैध शराब, एक नशा तस्कर गिरफ्तार। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के साथ एक युवक को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब को ऋषिकेश में खपाने की तैयारी थी, उससे पहले आबकारी विभाग ने अवैध शराब को पकड़ लिया। फिलहाल आबकारी विभाग अपने स्तर से मामले की जाँच कर रही है। हाईकोर्ट ने जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति मामले में की सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कई शिक्षकों को 12 जुलाई 2023 को दी गई सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने व याचिकाकर्ताओं से उस पर प्रति शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त निर्धारित की गई है। फ्लैट के नाम पर करोड़ों की ठगी, पुष्पांजलि बिल्डर दंपत्ति को पुलिस ने किया इनामी घोषित, कई सफेदपोश भी रडार पर। पुष्पांजलि इंफ्राटेक की परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले की रकम को लेकर फरार बिल्डर दीपक मित्तल के खिलाफ पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस की जांच में कई सफेदपोश रडार पर हैं। पुलिस के मुताबिक पुष्पांजलि के निदेशक दीपक मित्तल और राखी मित्तल के खिलाफ 8 मुकदमे फ्लैट बुक कराने वालों की शिकायत पर दर्ज किए जा चुके हैं। ऋषिकेश में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, श्रीनगर में जलविद्युत परियोजना में हुआ हादसा। ऋषिकेश में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। मजदूर निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहा था। घटना के बाद लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ खासा गुस्सा है। श्रीनगर में अलकनंदा जलविद्युत परियोजना श्रीनगर के आंतरिक विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों ने शव को परियोजना कार्यालय के बाहर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। कांवड़ियों पर पथराव मामला, इनामी बदमाश समेत 3 गिरफ्तार, अब तक 9 जा चुके जेल की तलाश जारी। देहरादून के ससपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर में पथराव कांड में शामिल 10,000 के इनामी बदमाश समेत 3 आरोपियों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के तहत 14 जुलाई की रात्रि करीब 10:30 पर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े रामपुर में आरोपी राशिद पहलवान के नेतृत्व में कुछ लोगों ने राह चलते कांवड़ियों पर पत्थर एवं लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया था। इस संबंध में थाना ससपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। नैनीताल में बाइक समेत खाई में गिरे 2 युवक गंभीर रूप से घायल। गर्म पानी क्षेत्र में बाइक अनियंत्रित होकर खैरी खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शाहजहांपुर से बद्रीनाथ घूमने जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। बारिश का कहर, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, 4 NH और 5 बॉर्डर रोड बंद। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन उत्तराखंड पर बड़े भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त टिहरी, देहरादून और पौड़ी जिले में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 व 11 अगस्त को चंपावत और नैनीताल में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चरस तस्करी का केस, ग्राफिक एरा के छात्र की याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर लगाई रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून पुलिस द्वारा ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के छात्र की याचिका पर सुनवाई की। छात्र द्वारा याचिका चरस की FIR निरस्त करने और सभी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दायर की गई है। कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही जांच अधिकारी से 19 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 सितंबर की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकल पीठ में हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने HNV गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ABVP कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति को छात्र हितों का विरोधी बताते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ABVP ने कहा कि कोरोना काल समाप्त हो चुका है, लेकिन कुलपति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आज भी नियुक्तियों को लेकर ऑनलाइन साक्षात्कार लिया जा रहा है। ABVP ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जल्द कुलपति को बर्खास्त नहीं करती तो आंदोलन को बड़ा रूप दे दिया जाएगा। सन्यासी के साथ मारपीट करने पर होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जाने पूरा मामला। उत्तरकाशी के होमगार्ड कर्मचारी पर सन्यासी के साथ मारपीट करने के मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि होमगार्ड ने सन्यासी के आश्रम के रास्ते की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। सन्यासी ने जब इसका विरोध किया तो होमगार्ड ने सन्यासी के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में सन्यासी के सिर पर 28 टाके हैं। पुलिस ने होमगार्ड कर्मचारी के खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया है। लव और लैंड के बाद अब उत्तराखंड में छाया जूस जिहाद, जाने क्या है मामला। बीते दिनों उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद का मुद्दा छाया रहा, अब इन चर्चाओं के बीच जूस जिहाद का मामला सामने आया है। लखसर में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने कुछ जूस विक्रेताओं पर पहचान छिपाकर दुकान चलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने जूस में केमिकल मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया। मामले को लेकर SDM को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मानसून का लोगों की सेहत पर पड़ रहा असर, बड़ी मरीजों की संख्या, दून अस्पताल की OPD फुल। मानसून का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। राज्य के दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में बड़ी संख्या में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पताल में खांसी, जुकाम, वायरल फीवर और प्लेटलेट कम होने की वजह से मुंह में खून आने की शिकायत लेकर मरीज पहुंचे हैं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल की OPD 2500 से अधिक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में प्लेटलेट्स की कमी के कारण करीब 50 मरीज भर्ती हैं, इनमें से 18 डेंगू पॉजिटिव मरीज हैं। राशन किट को लेकर हमलावर कांग्रेस गरिमा दसौनी ने BJP पार्षद पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने मोहित नगर की पार्षद अमिता सिंह पर कोरोना काल में फ्री राशन के नाम पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्षद अमिता सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2020 के दौरान भारत ट्रेडर्स और सैम टेक्नोलॉजी को फ्री राशन किट बांटने का अनुबंध किया गया। मुफ्त राशन किट के वितरण में उन्होंने वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए हैं। न्यायिक बंदीगृह से फरार नेपाली युवती गिरफ्तार, साथी भी चढ़ा हते। 6 अगस्त को न्यायिक बंदीगृह पिथौरागढ़ से फरार हुई नेपाली मूल की युवती को पुलिस ने एक युवक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले में भगाने में मदद करने वाले बंदीगृह में और संरक्षण देने के मामले में एक नाबालिग के खिलाफ भी कार्रवाई की है। बारिश के बाद टूटी सुखरो नदी के सुरक्षा दीवार, खतरे में सिमचौड़ गाँव, लोगों ने किया SDM का घेराव। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण कोटद्वार और उसके सीमा से लगे पर्वतीय क्षेत्रों में सुखरो नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी की सुरक्षा दीवार टूटने से नदी रुख सिमचौड़ गांव की ओर हो गया है, जिससे 1000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। 8 अगस्त रात को नदी पर बना सुरक्षा दीवार टूटने से सिमचौड़ गांव में जल भराव हो गया। सिमचौड़ निवासी तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने उपजिलाधिकारी कोटद्वार का घेराव किया। स्थानीय निवासियों ने सिमचौड़ गांव को बचाने की मांग की। उपजिलाधिकारी कोटद्वार ने तत्काल सुखरो नदी में एक JCB मशीन की मदद से नदी के जलस्तर को परिवर्तित करने के लिए गांव वालों की मांग को स्वीकार कर दिया है। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट में पेश हुए पशुपालन सचिव और रुद्रप्रयाग DM। नैनीताल हाईकोर्ट में आज चारधाम यात्रा में घोड़े और खच्चरों की मौत मामले में सुनवाई हुई। पशुपालन सचिव और रुद्रप्रयाग DM समेत कई अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच जनहित याचिका में उठाए गए कई गंभीर समस्याओं के निराकरण करने की सहमति बनी। सुनवाई के बाद सहमति पत्र कोर्ट में पेश किया गया। बारिश बनी आफत, मलबा गिरने से गुप्तकाशी गौरीकुंड हाईवे बाधित, 60 मीटर सड़क ध्वस्त। उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारी बारिश से मार्ग बाधित होने से लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। वहीं चौकी फाटा के अंतर्गत तरसाली के पास पहाड़ी से मलबा गिरने से केदारनाथ धाम की ओर जाने वाला गुप्तकाशी गौरीकुंड राजमार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया है। करीब 60 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।